हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और यहाँ पे हम लोग आए हैं बाबा जी का दर्शन करने के लिए। तो हमने कहा जैसे कि मज़ार है बाबा जी का, तो वहीं आए हैं। हमने कहा थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को शेयर कर दे, क्योंकि छोटा सा ही क्लिप हम शेयर करेंगे। और ये मेरी बहन है, छोटी बहन, तो इससे भी मिल लीजिए आप लोग। मुझसे मिलने के लिए आई थी दिल्ली से, तो मैंने इसी के लिए मैं भी आई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था। आप लोग देखे थे, मिस्त्री भी लगे थे घर पे, पर इतने दूर से ये आई थी तो मैं तो पास में ही थी, तो मैंने भी कहा कि चलो चलते हैं भाई, दोनों बहनों में भेंट हो जाएगा। और बच्चे लोग वहाँ खेल रहे हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करिए। और देखिए बच्चे लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। और एक ही दिन मैं वहाँ गई थी घूमने, और एक ही दिन मेरा रुकना हुआ था। बहुत मुश्किल से दूसरे दिन हमारा तैयारी हुआ, तो पापा ने रोक लिया। पापा बोले आज भी रुक जाओ, तो हम लोगों को रुक जाना पड़ा वहाँ पर एक दिन और। तो जिस दिन पापा रोके थे उस दिन मैं कहीं भी नहीं गई थी, बस मम्मी पापा के साथ ही अपना जो भी मेरा टाइम था उन्हीं के साथ मैंने बिताया, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक दिन का फिर से रुकना हुआ था, तो इसलिए मैंने उन्हीं लोगों के साथ अपना टाइम बिताया। और देख सकते हैं बाबा जी के मज़ार पे आए हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आती हूँ बाबा जी का दर्शन ज़रूर करती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर दो मज़ार है, तो यहाँ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैंने फिर से, हम लोगों का पूजा दर्शन हो चुका है, पर आप लोगों के लिए मैंने फिर से दरवाज़ा खोला। आप लोग भी दर्शन करिए बाबा जी, आप लोगों का भी मुराद पूरा करें। और यहाँ पे दूसरा वाला गेट भी मैं खोलने जा रही हूँ, और आप लोग इनका भी दर्शन कर लीजिए। और सच में दिल से जो मांगे सो पूरा होता है, और वही मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। पर आवाज़ को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था। तो मैंने आवाज़ को म्यूट करके फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे देख लीजिए आजू बाजू का सीन जो भी कुछ है आप लोगों को दिखाऊंगी। और जब भी आती हूँ फ्रेंड्स तो यहाँ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि बिना बाबा एक दिन के लिए आऊँ या कितना भी टाइम के लिए आऊँ, पर बाबा जी का दर्शन किए बिना अपने घर नहीं आती हूँ, क्योंकि इनके पे मुझे बहुत विश्वास है और सच में पूरा भी होता है। एक बार जो मुझसे मांग ले तो बाबा जी पूरा भी करते हैं। और देखिए यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मन्नत पूरा करने के लिए लोग चुनरी चढ़ाते हैं तो इस पेड़ में, तो सभी का मुराद पूरा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर हैं, बहन अपना सेल्फी ले रही है और मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यही सब चल रहा है फ्रेंड्स, एक ही दिन का जो हम उस दिन जो आगे का भी वीडियो शेयर किए हैं उस दिन ही हम यहाँ भी आए थे, पर यहाँ का वीडियो हम अभी तक आप लोगों तक पहुँचाए नहीं थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई उतना लंबा वीडियो देखने का किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने तीन पार्ट में इसको कर दिया था। तो अब देखिए घर पे आ गई हूँ फ्रेंड्स, और रात ख़त्म हो चुका है, मॉर्निंग का टाइम है। अभी अभी मैं सो के उठ रही हूँ और पापा सो के उठे हैं, और देखिए बच्ची है सो के उठी है, तो उसके पैर में चोट लग गया था, रात में खेलने के चक्कर में गिर गई थी, तो थोड़ा सा उसके पैर में चोट आ रहा है। तो वही पापा जी देख रहे हैं और उसको मालिश वगैरह कर रहे हैं। और अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, तो देखिए किस तरीके से बैठी हूँ और तुरंत सो के उठी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो ये भी शूट कर लेते हैं। और देखिए ब्रश करने लगी हूँ, नीचे आ गई हूँ, और एक गलियरी है, गलियरी से मेन गेट आप लोगों को वहाँ दिख रहा होगा पीछे, तो चलते हैं मेन गेट के पास भी, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए मेन गेट से बाहर का सीन कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए अब मुँह धुल लेते हैं और घर जाने की तैयारी भी करना है आज। और ये जो ब्लॉग है बृहस्पतिवार के दिन का ब्लॉग है, उसी दिन हमारा आना हुआ था और हमने तुरंत तैयारी किया। बुधवार को हम अपने घर रुक गए थे, बुधवार को ही आना था पर रुक गए थे। और देखिए तैयारी हो चुका है,
और मन मेरा बहुत दुखी है। फिर भी वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मायके का जल्दी आना जाना नहीं होता है, इसलिए ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो ये छोटी छोटी यादें जो होता है, और अगर हम चल जाएँ तो देख भी सकते हैं। देखिए रास्ते का फील है, तो थोड़ा सा हमने रास्ते का फील ले लिया है। रास्ते में तक बने रही है, अच्छा लगेगा। आगे का भी होगा वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप पसंद आने का प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा। और ब्लॉग बनाने में मेहनत बहुत लगता है फ्रेंड्स, और देखिए बाइक से बैठने के बाद मुझे ब्लॉग शूट करने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। आ चुकी हूँ घर पे और देख सकते हैं घर आने के बाद कितना काम फैला हुआ है। देख के ही मन मेरा घबरा गया है, क्योंकि आते ही मैंने पहले इधर उधर इतना ज़्यादा बच्चे लोग अपना बर्तन वगैरह फेंक के बिखेरे हुए थे, तो उसको मैंने इकट्ठा किया हुआ है, आप देख सकते हैं, बर्तन धुलने के लिए। और इसके बाद से चलते हैं फ्रेंड तुरंत किचन में। साफ़ कर चुकी हूँ, मुझे आए 15 मिनट हो गए हैं, और 15 मिनट में मैं बैठी नहीं हूँ अभी थोड़ा सा भी। और सृष्टि देखिए गांव में थी दादी के पास अपने, तो वहीं पे मैं इसको छोड़ के गई थी, क्योंकि शनि और सौरभ के पास अगर छोड़ के जाऊँगी तो वो लोग, तो तीनों लोग में जैसे पटता नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको बोल के गई थी कि तुम दादी के पास रहना, वहीं रहना और आना मत, जब मैं आऊंगी तब आना। तो मम्मी का मैं वेट कर रही थी कि और देखिए आई है, तो साथ में जामुन भी लेके आई है, घर के पेड़ का जामुन। तो अभी तो टाइम ही नहीं मिला थोड़ा सा बैठने का भी, तो कैसे जामुन खाएं या कुछ भी करें। तो बच्चों ने दाल और चावल बनाया था, तो दाल फ्राई करके और चावल बनाया था, तो बर्तन में चावल वाला खाली कर चुकी हूँ और दाल काफी ज्यादा दाल है, तो इसको मैं इसी तरह से छोड़ दी हूँ। अब शाम तो हो गया है, कोई खाएगा नहीं, पर उसको मैं दाल चावल में देखते हैं कैसे देती हूँ, अगर वो खाए। वो भी चावल नहीं खाती है, जो मेरी डॉग है वो भी बहुत बदमाश है, उसको भी रोटी ही चाहिए। तो अभी इतना बर्तन धुलना है, बर्तन धुल के तो फिर मुझे जाना है तुरंत गाँव के घर। घर पे कुछ काम है, तो अब क्या काम है आप लोग देख लीजिए। देखिए मैं जब गई थी तो मैं धान भिगा के गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि अब धान जो भी इसका बीज वगैरह हम लोग डालते हैं तो इसी तरह से तैयार होता है। तो जूम करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। तो देखिए इसमें से छोटे छोटे देखिए वो निकल चुके हैं, तो इसी को मुझे छिटवाने जाना है। तो चलते हैं, इसको अच्छे से किसी दूसरे बर्तन में मैं पलट लूँगी और चलूँगी गाँव पे। तो वहाँ पे बच्चों ने खेत इसका तैयार कर दिया है, पानी भी डाल दिया है, तो चलते हैं वहाँ इसको पहले छिटवा लेते हैं। और लाइट भी कट गया है तो बर्तन अभी नहीं धुलूंगी, लाइट होता तो बर्तन धुल के जाती, पर लाइट है ही नहीं, तो इसको चलती हूँ एक छोटे से बर्तन में किसी तगड़ वगैरह में निकाल लूंगी, और निकालने के बाद तुरंत चलूंगी गांव पे और खेत। तो आप लोग भी बने रहिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट अच्छे से बनाए रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अब उसका तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद गाँव के घर पर चलेंगे जब खेत में। तो और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने जो धान का बीज हमने लगा भिगा के रखा हुआ था, तो हम इसको निकाल लिए हैं, और नीचे से काफ़ी ज़्यादा लंबा लंबा इसका निकल चुका है, तो देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इसका आंखा निकलता है तो अच्छा होता है, पर लेट हो गया हमको आने में। और यहाँ देखिए आ चुकी हूँ खेत में, और सासू माँ छींट रही हैं, तो इधर वाला दो पार्ट में है, तो ये वाला जो है तो ये अलग धान है जो छींट रही हैं, और जो उस साइड है तो वो वाला जो मैंने भिगाया हुआ था वो दूसरा धान है। तो दो प्रकार के धान हैं, तो अलग अलग इसलिए छींटा जा रहा है। तो देख लीजिए इसमें मैंने जो लंबा लंबा सा सोर निकल गया था उसको छींटा है, और बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आप लोगों को पानी में दिख रहा होगा, और घर आते ही जिम्मेदारियां बढ़ जाता है। देख लीजिए अब जा रही हूँ फिर से सड़क पे, क्योंकि यहाँ का काम